बिस्मिल्लाह रहमान रहीम विद द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी द मोस्ट बेनिफिशिएंट द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के पाक नाम से वी स्टार्ट अनदर सेशन ऑन कॉफ़ी विद सीईओ बाय सीईओ क्लब पाकिस्तान। एंड टुडे वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पर्सनालिटी मिस्टर आदिल खट्टेक। ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अटक रिफाइनरी। एंड द वन थिंग आई मस्ट कन्फेस, आई इंटरव्यूड हाई प्रोफाइल्स ऑफ पाकिस्तान, more than 1000 CEOs, but one thing I must share, he's the CEO, he's attached with this group 45 years। तो आज का जो सेशन है मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस 45 साल का जो एक्सपीरियंस जो है और एक्सपोजर से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं। सेकेंड, आदिल खट्टेक साहब की जो अचीवमेंट्स में सबसे बड़ी चीज़ है, ही इज़ एसोसिएटेड विद द टॉप बिजनेस स्कूल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। लाम्स के ये बोर्ड में है, एडवाइजरी बोर्ड में है, फिर गुलाम इसहाक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैन जो नस्ट है पाकिस्तान का सबसे बड़ा। उन इनके साथ के अलावा वो हसन अफदाल के भी एक जो इनके खुद अपना एक अपना अलमा मैतर है उसके साथ अटैच है। अपार्ट फ्रॉम इनकी अपनी कंपनी नई नस्ल के बच्चों को अपना वो जो इंटर्नशिप प्रोग्राम्स करा रही है और ये हाईली पेड इंटर्नशिप है पाकिस्तान। तो इनका जो एक्सपीरियंस है, इतना रिच एक्सपीरियंस है एनर्जी सेक्टर में उसके हवाले से, और फिर अदर जो मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर मैनेजमेंट्स एंड लीडरशिप जो रोल पे काम किया, तो इनसे बात करते हैं और इनसे सीखते हैं। सर थैंक यू वेरी मच खट्टेक साहब। थैंक यू जी, आई एम रियली ऑनर्ड सर, आई एम हियर। थैंक यू फॉर योर वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन, बट आई रियली फील वेरी हम्बल्ड। एनीवे, वेलकम टू अटक रिफाइनरी लिमिटेड। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट यू एंड टॉक टू यू, एंड आई वुड वेरी प्लीज टू शेयर व्हाटएवर माय थॉट्स आर। खट्टेक साहब ये बताएं कि अगर मैं एक गैर रवायती सवाल करता हूँ, मैं पूछ लूँ कि आदिल खट्टेक का इतना लंबा, ये तो आपने इतना बड़ा प्रोफाइल है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आदिल खट्टेक खुद अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं, हाउ डू यू डिफाइन आदिल खट्टेक, क्या आपकी जो प्राइड, जो अचीवमेंट है, जो आपका मोमेंट ऑफ प्राइड है सर? देखिए जी, इन सिंपल वर्ड्स आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन बेसिकली, अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड वन, ठीक है। And whatever I have achieved, like in the worldly terms, I think I have a right to be proud of it. But at the same time, also I feel very humble. And we were talking before this interview, that I have had a very long career, as you also mentioned. And I had the privilege to work at almost all functions of the organization. Not only here, but I also served as the chief operating officer of our marketing company of our group, Attic Petroleum Limited, for 2 years as well. And I've almost moved, basically I'm an engineer, and I started as an electrical engineer way back December 1976. But then I've been lucky to move through all the functional areas, like I've been mug of operations and maintenance, and I even worked as manager HR for 5 years. Masha. Then I was at Petroleum, I was taking care of the marketing, so we were opening up the retail outlets, we started exports to Afghanistan, so that was a totally different kind of exposure for me. So in that sense, I think I have been very lucky in my career. And you mentioned that I am also a very strong believer in academia and industry collaboration. And to be on the board of LAMS as well as GIK, as well as on the board of trustees of CARE called Hasan Afdal, it gives me a very good opportunity to work for this cause. And so I think whatever I have done, I feel I've done my part. And it's always a pleasure to share my thoughts, especially with the youngsters and the new generation, and whatever I can share with them. So it Sir, gives me a lot of pleasure. MashaAllah, आपके इतना इतना एक बड़ा करियर है, इतना इतना स्पैन उसका 45 years का। सर, हर बड़े आदमी की लाइफ में कुछ पेन पॉइंट्स आते हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, जिसको जो उसको 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 एक लीडरशिप रोल पे लेके जाते हैं, फिर उसके बाद एक प्राइड पॉइंट्स आते हैं, कुछ दो तीन चैलेंजिंग जो है ना, जो पेन पॉइंट्स क्या थे और प्राइड पॉइंट्स? देखिए, चैलेंजेस स्पेशली, यू नो, इन दिस माय करंट पोजीशन, एंड एज आई शेयर्ड विद यू अर्ली, दैट आई हैव बीन इन दिस पोजीशन फॉर ऑलमोस्ट नाउ 17 इयर्स, व्हिच इज अ रिकॉर्ड इन आवर इवन इन अटक ग्रुप। बड़ी बात है, इट्स अ वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट सो हैपेंस दैट दिस इयर्स वी आर सेलिब्रेटिंग 100th ईयर of Attak Refinery, centenary of Attak Refinery. This refinery was commissioned in 1922, before partition even, before partition, much bad. And the Attak Oil Company, which is our parent company, they discovered oil as early as 1915 in this area, in the Port of Har region. And interestingly, at that time even the oil was not discovered in the Middle East at that time. Okay. Yeah. And the good point, and on which I can I feel very good about it, is that Attak Refinery is the only refinery, in spite of being so old,
that we have been regularly upgrading, modernizing and expanding the refinery. Okay. So, as we speak, our refinery happens to be a state-of-the-art refinery. So, don't go on these old heritage buildings. If you go to the refinery, you would be really pleasantly surprised that we have the latest equipment, totally computerized process control systems, and we place a lot of emphasis on other issues like especially HSE safety areas. Then one of our core values is quality assurance, so we would never ever compromise on the quality of our products. Yes, and responsibility. We would rather shut down the refinery than to send anything off-spec product outside the refinery. Wow. And besides that, of course, like learning and innovation, I would mention, that's another one of our core values. Yes. So we regularly hold conferences on HR, on safety, HSE, and operation and maintenance. We not only have speakers from the industry, but also participants from the industry, all through Pakistan. Sir, one question I will definitely ask. Pakistan is passing through very testing times nowadays, especially energy crisis. What are the challenges for Pakistan? Because everybody is now is really having the serious consequences, impact on their businesses, in their personal lives. बची नहीं आती सर और पैसे भी देते हैं ऊपर से जो पिछले से जो इतने इतने जीबो गरीब पे टैक्सेस लगे तो एनर्जी क्राइसिस का क्या बेसिक प्रॉब्लम है और हाउ वी कैन आप तो एनर्जी के गुरु हैं सर इस मुल्क से कैसे निजात ये अंधेरों से हम हासिल करेंगे सर ये बड़ा अच्छा सवाल है बदकिस्मती सी यू नो व्हेन आई लुक ऑन पास्ट लाइफ और माई करियर पाकिस्तान हर वक्त किसी न किसी क्राइसिस में हम रहते हैं हर बार हम कहते हैं बस ये बड़ा क्राइसिस है एंड आई थिंक ये बेसिकली हमारी प्रॉपर आई वुड से कि प्लानिंग सही नहीं है हम आगे का सोचते नहीं हैं यू नो हर गवर्नमेंट जो आती है बड़ी शॉर्ट टर्म का सोचती है वो अगले इलेक्शन का सोचती है दैट्स अ रियलिटी एंड अनलेस यू हैव शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्लान्स नो कंट्री कैन प्रोग्रेस आप एनर्जी सेक्टर का ही देखें एंड बिसाइड्स प्रॉब्ली आई डोंट नो वेदर यू नो नॉट बिसाइड्स हेडिंग रिफाइनरी आई एम ऑल्सो हेडिंग एन IPP अ पावर कंपनी बाय नेम ऑफ अटक जैन लिमिटेड So, I am fully familiar of all aspects of the energy sector, as you can imagine. So, what are the reasons? You know, if I talk about energy, what is our problem? Our energy mix is very wrong. There was a time when our maximum generation was hydel. Which should have been cheap. Then Allah Ta'ala has blessed us with so many potential of hydropower. Even only in Khyber Pakhtunkhwa, we can generate more than 50,000 units, megawatt, right? So, we have been slow on that. वो कालाबाग को एक इशू बना के पॉलिटिकल इशू बना के उसकी वजह से यू नो वी बिकेम हॉस्टेज टू द कालाबाग अभी जो हम लाइक वी आर वर्किंग ऑन डासू डैम एंड बादशाह डैम दिस शुड हैव बीन डन 10 इयर्स बिफोर 15 इयर्स बिफोर इनकी हमें तो पता था कि ये पोटेंशियल है तो वो बना के कालाबाग का इशू बना के इस पर भी कुछ काम नहीं किया एंड व्हाट वी डिड वी वेंट फॉर थर्मल्स आई माय सेल्फ हेडिंग टू एक्सपेंसिव एंड देन वी इंपोर्टेड ऑयल देन वी वेंट फॉर कोल ठीक है अच्छा एलएनजी एट वन टाइम वाज अ गुड डिसीजन बट Now with these increasing prices, the coal prices have gone 4 times. They were about 2 years back. LNG we can't import, coal we can't import. So we are now back to furnace oil. अभी आप देखें अगले महीने से 8-9 रुपए आपका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी because of these expensive fuels. तो प्लानिंग सही नहीं है और लॉन्ग टर्म काम सोचते नहीं है एनर्जी फॉर दिस मेस देखिए बात यह ना कि मैं तो पॉलिटिकल लीडर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ देखिए ना पोलिटिकल वो उनकी अपनी कंपल्शन होती है बट देन ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो देयर एक यू नो हमारी इशू ये है कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं है देखिए जो जमाना अंग्रेजों का था उस पर थिंग्स वर वेरी सिंपल एनी कुड हैव मैनेज ऑल दिस इशूज नाउ दिस इज द एज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी अब आपका पावर मिनिस्ट्री हो गया आपका पेट्रोलियम मिनिस्ट्री हो गया आपका फाइनेंस हो गया यू नीड प्रोफेशनल्स टू रन दिस अब आपका जो सिस्टम है इवन ब्यूरोक्रेसी का भी एक सेक्रेटरी आता है वो आहिस्ता सीखता है बट द टाइम ही लर्न इवन द बेसिक ट्रांसफर्ड पॉलिटिशियंस तो वो आ जाते हैं जाहिर है कि और ऑफ कोर्स सिंस वी हैव अ डेमोक्रेसी सिस्टम पॉलिटिशियंस विल ऑलवेज बी देयर वी कांट गेट रिड ऑफ देम एंड नॉट शुड वी इवन थिंक अबाउट इट ठीक है उनका अपना एक रोल है तो हमारे जो सिस्टम्स है सारे वो सारे कंप्रोमाइज हैं अनफॉर्चुनेटली तो वी होप के इन द कमिंग ईयर्स दो 75 क्या इसके तीन सॉल्यूशंस क्या हैं वी कैन टर्न अराउंड द एनर्जी क्राइसिस एनर्जी प्राइसेस का तो देखिए एनर्जी क्राइसिस को खत्म करने के तीन सॉल्यूशंस देखिए एनर्जी प्राइसेस एनर्जी एज लॉन्ग एज यू आर इनटू इंपोर्ट यू हैव टू पे फॉर इट एज पर इंटरनेशनल मार्केट
Of course. Now the price have gone up, so you have to pay a high price for it. और ये भी गलत है कि आप सब्सिडाइज करें, बिकॉज तो उल्टा हो गया सर, तो प्राइस इंटरनेशनल 120 है, 90 पे आई है और इधर से प्राइस बढ़ गई है। वो इसलिए बड़ी है कि एक टाइम लैग है, तो होपफुली अगर ये ट्रेंड रहेगा जो क्रूड नीचे जाता है, प्रोडक्ट्स की प्राइस भी गिरेंगी। मतलब ये कोई मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, इस वक्त आपकी क्रूड की और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइस से लिंक्ड है, फिर साथ साथ आपका रुपये वहाँ डिवैल्यू होता गया पिछले 3 महीनों में, ड्रेस्टिकली रुपये वेंट डाउन बहुत, तो उसका भी इम्पैक्ट आया रुपये टर्म्स में। तो यू कांट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दिस, देखे पॉलिटिक्स अ पार्ट, फिर वो पॉलिसी भी गलत है कि आप बाहर से महंगा लें और यहाँ सस्ता बेचें। गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है, कहाँ से वो सब्सिडाइज करेंगे, नहीं कर सकते। तो वी हैव टू बी पेशेंट, यू नो, अनलेस यू हैव अ राइट एनर्जी मिक्स। और देखे आपने पेन की बात की ना, मेरा सबसे बड़ा पेन ये है कि आपने लोकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया। मैंने हाइडल की बात और ऑलरेडी की है, मैं अब आपसे कोल की बात करूँ। तो थर का जो कोल है, वी हैव 75 बिलियन टन्स ऑफ रिजर्व कोल की, थर की, ठीक है। ये कब डिस्कवर हुई? इन द 90s। अच्छा, 25 साल हम आपस में पहले लड़ते रहे कि आए ये सिंध के रिसोर्स है कि फेडरल गवर्नमेंट का है, फिर हम इस पे ड्रामाबाजी में लगे रहे कि ऑल दिस सब बी टेलिंग यू कि दिस इज नॉट द राइट टाइप ऑफ कोल, इससे पावर जनरेट नहीं होती। 25 साल बाद हमें अकल आई और पहली बार कोल पावर प्लांट, आई विजिटेड थार, आई सीन दिस, जो एग्रो पावर प्लांट कमीशन आया हुआ, ठीक है। तो ये देखे ना, ये बड़ी ज्यादा थी इस मुल्क के साथ की, 25 साल भी तो नेशनल इंटरेस्ट ये है सर। ये यू हैव कोल, यू हैव हाइडल, यू हैव सोलर, यानी आप पाकिस्तान अगर पूरी दुनिया ग्लोबली देखे, हमारे पास विंड जो कॉरिडोर है, विंड कॉरिडोर है, हम कहां, हमने बहुत अभी रिसेंटली स्टार्ट किया ना इसका सोचना। अब देखे व्हाट आई मीन ऑयल बिजनेस, येट इफ यू मूव द रिफाइनरी और मूव अराउंड दिस एरिया, व्हाट माय डायरेक्शन आर, एवरी फ्लैट रूफ हैज टू बी हैव अ सोलर सिस्टम ऑन टॉप ऑफ दिस, ऑफिस इज अ सोलर सिस्टम ऑन टॉप ऑफ इट, सो आई एम मेजर इन ऑयल बिजनेस एंड दिस इंटरेस्टिंगली दिस सोलर सिस्टम वाज मैन्युफैक्चर्ड हियर वाओ बाय माय ओन टीम। क्या बात, ठीक है। तो यू नो ये चीजें हैं जो इस तरह तवज्जो देने की जरूरत है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन हर चीज का है सर। आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं ये आपसे सवाल पूछूंगा, ये तो आपने बता दिया कि कुछ पल्लम के खता करते हैं सदियां सजा पाती हैं, अगर हम फैसले करते तो आज हमें ये ना करने पड़ते। सर आगे चलें, अभी आपने बताया कि आप एक आपका एक बड़ा इनिशिएटिव है जो लर्निंग के हवाले से, और बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा गैप है हमारी और अकेडमिया का, और गैप बढ़ता जा रहा है। वो जो यूनिवर्सिटी में तालीम दी जा रही है वो अब रिडंडेंट हो गई है, अब नई कॉम्पिटेंसी, नया जमाना, नए सुबह शाम पैदा कर। सर क्या चैलेंजेस हैं, इंडस्ट्री एकेडमी का गैप बढ़ रहा है, और ये इसके क्या काम होने वाला, कौन सी कोर कॉम्पिटेंस हैं हमारी नई नस्लों को सिखाएं, वरना ये बच्चे पढ़ के स्वयं बेरोजगारों की फौज बनेगी। सर व्हाट डू यू से सर? देखिए जी, आप मुझे पता है ऑक्सफोर्ड तक जा चुके हैं, आप वेस्ट में देखें, पहले तो आप ये देखें कि अगर आप हम इस्लाम का नाम बड़ा लगाते हैं, इस्लाम एक जमाना था कि वी वर अहेड ऑफ द यूरोप, एवरीवन नोस दैट यूरोप वाज द डार्क एजेस, इस्लाम अहेड ऑफ देम इवन इन साइंस, ठीक है। अब हमारा क्या हाल है, आप वेस्ट में जाए, सारी जो रिसर्च होती है, सारी जो नई इन्वेंशन होती है, वो सारी यूनिवर्सिटी से स्टार्ट होती है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर यानी हम इतने सालों से मेरी कोशिश होती है कि यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें, एंड आई गिव देम ऑलवेज ऑफर ऑफ केयर, आए अपने प्रोफेसर को भेजें, अपने स्टूडेंट्स को भेजें, दे शुड डू प्रोजेक्ट्स विद अस। बहुत रिस्पॉन्स मिल रहा है ऐसा ऐसे, लेकिन बहुत कम मिल रहा है, मच लो देन माय एक्सपेक्टेशन। डिग्री वाली तालीम दे रहे हैं सर, पीस ऑफ पेपर देते हैं, फोकस्ड हैं नंबर्स लेने पे, जीपीए ग्रेड लेने पे, ठीक है ना। तो मैं तो बड़ा इनकरेज करता हूँ, और हमारे पास अच्छा है कि लोग हमें अप्रोच भी करते हैं। आज भी मेरे पास एक आया है, कोई वो रिसर्च करना चाहते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड इशूज हैं, फ्रॉड से रिलेटेड इशू हैं, न्यू इनोवेशन से रिलेटेड इशूज हैं। मैं तो बड़ा इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं नस्ट के भी एडवाइजरी बोर्ड पर हूँ, उनके साथ भी मैं कम कोलैबोरेट करते हैं। लम्स के साथ हम एक प्रोजेक्ट किए, इनफैक्ट लम्स के कई केस स्टडीज हमारे अटक रिफाइनरी के ऊपर की हैं, तो एक कोशिश है। और इसके अलावा व्हाट वी आर डूइंग इन दिस फील्ड इज कि वी ऑफर ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज, आपने मेंशन किया, नॉट ओनली टू स्टूडेंट्स एज इंटर्नशिप व्हाइल दे आर स्टडी, बट ऑल्सो वंस दे ग्रेजुएट, सो लाइक फॉर इंजीनियर्स एंड MBA बिजनेस स्टडीज, we give them a 1 year management program we have for them, and we pay them a high stipend as well, and our effort is to give them a on hand experience, true,
And the student internship is very, very important for them in a choice of their careers, you know. Experience, exposure. लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या possibilities हैं, you know. हमारा ज़माना बड़ा simple था. So we had either engineering or medicine or army or so. That's all choices we had. Now it's a wide world. बहुत बड़ा field. इतनी नई नई चीज़ें आ गई हैं कि but they need some guidance. ठीक है ना, तो वो guidance भी ज़्यादा school में. Then education system, then we have these various categories of education. एक इलीट क्लास है, वो एक अपनी अलग दुनिया में है. ए लेवल वो लेवल सर बाहर का ही सोच रहे हैं. देन वी हैव दिस मैट्रिक, दिस देयर वी हैव मदरसा सिस्टम, वो एक अलग इशू है. स्पेशली यू नो द फार फ्लंग एरियाज का लोग हैं, दे कांट इवन कंप्लीट ना, नहीं उनके कोई ग्रूमिंग है, ना उनको समझाने वाला है. सर मैं आपसे यही सवाल इसी के आगे, इसी का जो कनेक्टेड क्वेश्चन है कि वो कोर कॉम्पिटेंसीज बीइंग अ सीईओ, आपके पास बच्चे भी आते हैं, इंटर्नी भी आते हैं, आप खुद भी यूनिवर्सिटीज में टॉक्स करने जाते हैं, वो तीन कोर कॉम्पिटेंसीज नई नस्ल अपार्ट फ्रॉम डिग्रीज वो क्या है, ताकि ये आपके सेशन से लोग सीखें कि यार बिफोर कमिंग टू एनी वेयर, चाहे दुनिया में जाएं, ये तीन कॉम्पिटेंस डेवेलप करके जाएं. प्लीज सर. देखिए, एक तो आपकी जो आपकी जो प्रोफेशनल आपकी जो एजुकेशन है, वो तो हो गया सर, वो तो हो गया ना, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, अकाउंटिंग आपने सीख ली, इंजीनियरिंग आपने सब चीजें, तीन बेसिक. यू नो व्हेन यू कम इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, यस, इंपॉर्टेंट थिंग इवन व्हेन यू गो फॉर द फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक, इज गोइंग टू बी योर कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर वन. कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ तवज्जो ही प्रेजेंटेशन, वही ना, उसी का पार्ट है, उसी का पार्ट. हाउ टू डू वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, योर बॉडी लैंग्वेज, ऑल दीज थिंग्स, उसकी तरफ अक्सर शिक्षकों को तवज्जो क्यों नहीं दे रहा. तो जब रॉ बच्चे हमारे पास आते हैं, एटलीस्ट एट द टाइम आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, यू नो, मतलब दे वुड हैव अचीव्ड आई डोंट नो हाउ मेनी ग्रेड्स एंड दिस एंड दैट, बट दे वोंट बी एबल टू इवन एक्सप्रेस देयर सिंपल थॉट्स. तो एक तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ठीक है. दूसरा, मैंने बात की कि जो कैरियर सेलेक्शन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे सीखें कि जिसमें, देखिए, यू कैन एक्सेल ओनली इफ यू हैव योर हार्ट एंड माइंड बोथ इन दैट प्रोफेशन. पैशन, पैशन. तो ये बाय फोर्स आप नहीं किसी को, यू नो, वो टाइम पास कर लेगा, लेकिन एक्सेलेंस कभी अचीव, एक्सेल ओनली देन वन कैन अचीव कि आपका यू एंजॉय व्हाट एवर योर प्रोफेशन यू चूज. ट्रू, ब्यूटीफुली सेड. अब उसके लिए गाइडेंस की जरूरत, आप उसको मेंटर का नाम दें, उसको जो भी उसका नाम दें, क्योंकि देखे कोचिंग आजकल है, कोचिंग एक रियलिटी है ना. कई हमारे मेजॉरिटी बच्चे हैं, दे कम फ्रॉम वेरी पुअर फैमिलीज, उनके शायद पेरेंट्स भी लिटरेट नहीं होंगे, सो नो वन इज देयर टू गाइड देम. सो इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन कि दे शुड हैव सम कैरियर काउंसलिंग. ये सिस्टम डेवलप करना चाहिए, और स्टूडेंट इंटरव्यू हेल्प्स अ लॉट इन दिस रिस्पेक्ट. वो यंग बच्चा जब आता है, कोई हफ्ता, दो हफ्ते, चार हफ्ते, आठ हफ्ते नॉर्मली हमारे यहाँ होते, सो दे गेट एन आइडिया कि यार इज देयर रियल इंटरेस्ट लाइज इन दिस प्रोफेशन और नॉट. मैंने कई लोगों को देखा है कि आप इंजीनियरिंग मेडिसिन कर लिया, मेरे अपने फैमिली में लोग हैं, एंड देन नाउ दे आर इन टोटली डिफरेंट प्रोफेशन, एंड व्हेन यू आस्क देम दे वुड सेड वी वर फोर्स्ड बाय आवर पेरेंट्स टू गो फॉर इट. आई नेवर हैड, आई हेटेड दिस थिंग, बट आई वाज फोर्स्ड टू डू दैट. वाओ, सो यू हैव सेवन एट इयर्स गॉन वेस्ट. ये दीज आर द बेसिक्स कॉम्पिटेंस आपको आनी चाहिए. सर आगे चलते हैं थोड़ा सा. मुझे ये बताएं कि एक सीईओ जो होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो एक बिजनेस लीडर भी होता है, वो विजनरी होता है. सर व्हाट इज लीडरशिप टू यू, एंड व्हाट आर द कॉम्पिटेंसेस, कोर स्किल्स फॉर अ लीडर? सर देखिए, ये मैं ज्यादा थ्योरी वगैरह की बात नहीं करता, वो अपने दिल की बात से ज्यादा समझते हैं. सर दिस इज योर टेक. सर देखिए ना, एक तो विजन हैज टू बी देयर, लीडर मस्ट हैव अ विजन, ऑफ कोर्स, एंड देन यू नो यू हैव, यू शुड हैव दैट कैपेबिलिटी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लुक अराउंड द कॉर्नर, कि जो औरों को नजर नहीं आ रही, बट देन यू कैन इमेजिन कि इतने सालों बाद ये होना है. ये लाइक इन माय फील्ड दे आर कंपीटिंग फ्यूल्स कमिंग अप, ठीक है ना. ठीक है, पाकिस्तान वुड बी लेट, इवन अमेरिका इज लैगिंग बिहाइंड यूरोप, बट देन लाइक एक एग्जांपल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आप ले लें. अल्टीमेटली दीज जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये आहिस्ता कम होती जाएंगी. अभी टाइम है वैसे, ये कुछ लोग उसको ज्यादा एक्सपेडाइट कर रहे हैं, इट विल टेक सम टाइम, बट अल्टीमेटली डेप्लिशन है. सो यू नो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट फ्यूचर, क्योंकि नाउ 100 साल तो मेरे पूरे हो गए, 10-15 साल और हो गए, तो मैं तो अगले आगे 100 साल का पूछ रहा हूँ कि अटिक रिफाइनरी शुड माशाल्लाह बी देयर 100 साल बाद भी, इन व्हाट शेप वी वुड बी, मे बी वी वुड नॉट बी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. तो एक तो ये बात हुई कि विजन होना चाहिए, पैशन ऑफकोर्स, कोई कैरियर में पैशन होना चाहिए ना, ठीक है. उसके बाद बेसिकली ये है कि एक आपके पीपल स्किल्स बड़े जरूरी. Wow. You know, as you go higher in your career, this अब हम कहते हैं emotional quotient, emotional intelligence, this is extremely important. You know, entry stage पे तो आपकी education, technically, professional वो count करेंगे, ठीक है, that's entry level. But as you go up,
these things become more important. Yes. How to deal with people, how to understand each other. And unless, relations are extremely important, whether it's in personal life or in your professional or workplace, relations are extremely important. It makes a huge difference, whether it's a team, working within a team, working with each other, working with the government, whether working with external agencies. So you have to have these kind of people skills, jo aap keh rahe ho, ya usko emotional intelligence aap keh rahe ho, ya usko communication skills keh rahe ho, whatever. Meri EQ is jo na, wo basically what helps you in that is jo aapka empathy jisko kehte hain. Yes. So you try to put yourself in the other person's shoes. Kya main agar iski jagah hota to main kya soch? Ye basic baat hai, ye koi rocket science ki baat hai to main nahi kar raha. Ye sadiyon se ye world ki wisdom hai ye. Lekin jo aapne leadership position ki baat ki na to wahan ye cheez zyada important ho gayi. And then you have to have what this ko main kehta hu na heavy duty resilience hona chahiye. Yes. Ghabrana nahi hai. So whatever the challenge may be, and then you keep looking for opportunities in those challenges. Ye ek challenge hai ya isko main kis tarah apne organization ko benefit dilaun se. सर आपने बड़ी तो ये एक बेसिक बात नहीं, है नहीं, नहीं आपने तीनों पॉइंट्स पर लिखा EQ के से आगे रिलेटेड करूंगा कि जो एक आजकल पाकिस्तानियों का एक प्रॉब्लम है बल्कि आपसे हमने सीखना है कि वो हमारे DNA में गुस्सा बहुत ज्यादा एंगर द होल कंट्री इज एंग्री फ्रस्ट्रेटेड एंड एंगर सर इस एंगर को मैनेज कैसे करते हैं आपके चेहरे पे इतनी मजे की स्माइल देखी मैंने आप क्योंकि वैसे भी पठान होते हैं खटक उनको तो गुस्सा बहुत ज्यादा आता है मैं आपको बताऊं कैसे मैनेज करते हैं दिलचस्प बात व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर मुझे बहुत गुस्सा आता Believe me, the true Pathan ka gussa hota hai. And especially if I would feel a little bit slighted, I would feel like I have been sort of humiliated, zara si, I would feel like killing that person. Believe me. Irritation hoti thi, short temper hoti thi. Then at times, you come across people who really aapki zindagi badal dete. So earlier in my career, I attended a course on managerial grit. Aur uske us waqt Pakistan mein founder the Mia Ghani sahab. सर मैं उनका स्टूडेंट नाम सुना है नहीं नहीं मैं ट्रेनर हूँ मैंने गनी साहब के प्रोग्राम कराए सर मैंने तो वो उन्होंने दैट वाज वेरी अर्ली इन माय करियर 9966 हां आई अटेंडेड देयर कोर्स और उसमें उन्होंने हमें ये मेरे दिमाग के अंदर घुसेड़ा कि फॉर अ गुड मैनेजर इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तो उस वक्त से मैंने आई स्टार्ट एंड देन आई रियलाइज एंड आई कन्फेस्ड इन फ्रंट ऑफ हिम कि जी मियां साहब मुझे तो बड़ा गुस्सा आता कहते बेटा इसको आपने कंट्रोल कर And that was the time, and I was really lucky enough that I started to learn how to control myself, And basic baat hai, being an electrical engineer, wo kehte hai ki jab gussa aata hai na, to aapke dimag mein short circuiting ho jati hai. And you don't know what you're doing, and you don't even know what you're speaking, what is coming out of your mouth. And later on, when you think about it, it takes time. But mashallah, I've been able to control ho jata control wah 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 kehte hai ki acha leader wo hota hai jo zuban ki chot seh jaye jab aapko koi log gusse wali baat kare aur aap usko reply na kare respond kare react na kare acha is tarah ek basic baat bata do main sare apne junior se to ki dekho agar dekhe gussa karna is human this is natural matlab no one can claim I can't claim ki mujhe gussa aata nahi theek hai ek to control दूसरा ये नो जब आपने किसी को सपोर्ट रिप्रिमांड करना हो या समझाना बात वो सब भी हो जाता है आप रिप्रिमांड हमेशा बंदे को आपने अकेले में करना है ओके और आपने शाबाशी सबके सामने ये बेसिक सिंपल थिंग है ना सिंपल फीडबैक तो बे किसी के सामने में कभी किसके मेरी क्या जिस बंदे को रिलेट किया ना वो इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट इंजर खत्म हो इसकी इज्जत ना ये कॉमन सेंस की बातें हैं लेकिन सर बड़ी जरूरी है ये नहीं लोग सीखते लोग अपना एक्सप्रेस करके डैमेज क्रिएट कर देते हैं सारी लाइफ का तो बस ये है तो सर आगे चलते हैं कि व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू वेरी आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस थिंग आई एम ए वेरी वेरी कंटेंटेड मैन ठीक है हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद मटीरियल थिंग्स यस पैसा चीजों से नहीं था घर देखे अब जिंदगी हमने गुजार दिया ना एंड आई हैव सो मेनी नोन सो मेनी पीपल आई माशाल्लाह सो मच एक्सपीरियंसेस आई हैव नोन पीपल हु लिव इन हाउसेस लाइक पैलेसेस बट दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ दे कांट इवन स्लीप एट नाइट आई नो पीपल हु आर लिविंग इन झोंपड़ियों में दे आर सो हैप्पी तो हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद योर टाइप ऑफ कार यू ड्राइव द काइंड ऑफ हाउस यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ ब्रांडेड कपड़े यू पहनते हो नथिंग टू डू विद इट It all comes from self-actualization, जिसको हम कहते हैं कि आपने क्या किया है और दूसरा यह है कि आप contented
आपने बड़ा मेरा बस ये सिंपल हाल आपने बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोला है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। अच्छा माशाल्लाह। तो वो बाय एजुकेशन तो वो मैं अक्सर वो जो मैस्लो की थ्योरी कराते हैं ना हाँ। तो ये जो खुद ही अगला जो स्टेप है ना ये एक्चुअलाइजेशन जो होती है सेल्फ एस्टीम के बाद ये असल में ज़ात का इरफान है जब आप अपनी जिंदगी में वो काम करें जिसके लिए अल्लाह ने आपको बनाया है। बस बस बिल्कुल सही बात है। अब वो काम करें तो आपको जहाँ दिल है दिमाग है रूह है तो आपको फिर अल्टीमेटली उसका बाई प्रोडक्ट है। एग्जैक्टली सर आगे चलते हैं किताबों के ऊपर बात आती है। आपने इतनी कोशिश की है राउजिंग से लम से बाहर से भी पाकिस्तान से बाहर भी तो सर आपने इतनी क्योंकि दुनिया की रिसर्च है हार्वर्ड की ना बिजनेस जो जो रिव्यू है वो कहते हैं कि एक ग्लोबल सीईओ जो है वो 50-60 बुक से पर एनम पढ़ते हैं। को दो तीन किताबें रिकमेंड करें जो आपके दिल को दिमाग को इम्पैक्ट की सर। आपकी बात सही है किताबें तो मेरे हिसाब पढ़िए ठीक है और पढ़ता रहता हूँ अभी भी अगर आप मेरा इधर उधर देखेंगे तो किताबें घर में भी आपको बुक्स नजर आएंगी और मुझे तो रात में उस वक्त तो सोते नहीं जब तक मैं कुछ पढ़ूँ। सर मुझे कुछ रिकमेंड करें दो चार नहीं किताबें बहुत ऐसी स्पेसिफिक किताबें मैं क्या आपको बताऊँ लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ लीडरशिप से जिसको कुछ लोग शायद कहेंगे कि आउटडेटेड है लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उस बंदे की अप्रोच है ना बड़ी प्रैक्टिकल है ठीक है वो मैं जो जी का सी होता जैक वेल्च उसकी किताब खासकर जो विनिंग किताब वो बहुत सिंपल लैंग्वेज और उसमें कोई वो थ्योरी या ज़्यादा कोई वो नहीं है उसमें सिंपल मतलब बातें हैं डे टू डे बातें उसने की हैं तो मैं उससे एक जमाने बहुत इंप्रेस हुआ था। फिर ऑफ कोर्स जब हमने बात की है इमोशनल इंटेलिजेंस की तो इसका जो फाउंडर था डेनियल गोलमैन 1990 की मेरा पहली किताब थी उसके बाद और भी किताबें आई वो भी मैंने सारी पढ़ी हैं। उस किताब से मैंने पहली बार रियलाइज किया कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इज एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट आई डिड अ लॉट ऑफ रीडिंग ऑन दैट क्या बात और उसने मुझे बहुत हेल्प किया है उससे और मैंने बल्कि अपने विद ऑर्गेनाइजेशन में मैंने कई वर्कशॉप्स की हैं जो यंगस्टर्स को उनको समझाने में तो ये बेसिकली फील्ड्स की बात है। दूसरे इससे मिलते जुलते किताबें मैंने हर किसी की तकरीबन पढ़ी आप जिसका नाम लेंगे तो मैं आपको बता दूँ तो सारे माशाल्लाह बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे लोग गुड टू ग्रेट की बात करते हैं बहुत किताबें हैं जी बहुत किताबें लेकिन कोर्स मैंने बताया ना कि लम्स का कोई क्रिएटिव कोर्स मैंने मिस नहीं सेवन हैबिट्स कोई भी सब्जेक्ट की आप बात करें इवन कवि की कवन की वो बल्कि आज के जो पॉलिटिशियन बन गई उन्होंने आके यहाँ पर सेमिनार किया था उसने उसने यहाँ सेमिनार किया था सेमिनार ट्रेनिंग कराया था। सर आगे चलते हैं जिंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर अ सीईओ वो होती है उसकी डिसीजन मेकिंग एंड नेगोशिएशन एबिलिटी। सर आपकी जिंदगी में टफ कोई ऐसा कोई डिसीजन जो आपने किया 45 इयर्स की अगर कहते जाज वो फैसले की वजह से आज मैं इधर हूँ कोई टफ डिसीजन डिफिकल्ट डिसीजन देखिए डिफिकल्ट बिकॉज यू नो जो मैंने बताया ना कि हमारा जो एनर्जी सेक्टर में हर वक्त क्राइसिस ही होता अभी भी आज स्पीकिंग दिस टाइम वी आर इन अ क्राइसिस ऐसे पाकिस्तान नाजुक तरीन दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त भी हम क्राइसिस में हैं ठीक है ना से गुजर अब जो मैं आपके साथ आराम के दुश्मारी से बातें कर रहा हूँ मेरे जहन के ऊपर एक काफ़ी एक इशू है इस वक्त ठीक है ना लेकिन यू नो एक आई हैव लर्न टू डील विद दिस क्राइसिस एंड यू नो एक और जो अपने सीओस की आप या किसी ड्यूटी की बात या किसी इंसान की बात करें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है विच मेक्स अ बिग डिफरेंस इट्स आल्सो लिंक्ड विद एन इमोशनल इंटेलिजेंस वो ऑप्टिमिज्म जो आपकी कैपेबिलिटी ऑफ ऑप्टिमिज्म है इट कीप्स यू अलाइव इट कीप्स यू गोइंग ऑल द टाइम तो वो अल्लाह ताला के शुक्र से कुछ सीखा कुछ बड़ों से सीखा जो भी है आए जैसा मैंने कहा ना आई लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज इन एवरी चैलेंजेस ठीक है ना तो आई नेवर गेट कॉट डाउन के जी ओहो बस अब क्या हो गया जो हाथ पांव फूल गए वो आई डोंट गो थ्रू दिस क्राइसिस ठीक है ना। सर यही सवाल भी है अगला कि ये कि जो स्ट्रेस है लाइफ का खासकर वर्क लाइफ का जो स्ट्रेस होता है वो भी आपको ना आपकी एनर्जी ड्रेन करता है स्ट्रेस की कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ आदिल खटक क्या है। अच्छा जी अब अगेन खास कर क्योंकि आप लोग ये शेयर करते हैं बच्चों के साथ भी होती है वेरी गुड जॉब यू आर डूइंग इज अल्हम्दुलिल्लाह के लॉन्ग टाइम बैक आई अटेंडेड अ मैनेजमेंट डेवलपमेंट कोर्स इन यूके में बड़ा अच्छा मैनेजमेंट कोर्स स्कूल है उसका नाम है एशरिज मैनेजमेंट कॉलेज अगर आपने नाम सुना बड़ा ज़बरदस्त स्कूल दिस अ लॉन्ग टाइम बैक तो उसमें क्वाइट अर्ली माई कैरियर वहाँ हमारे हफ्ते में ना दो दिन आती थी एक एग्जीक्यूटिव हेल्थ की इंस्ट्रक्टर खातून की उसने हमें ऐसे दिमाग में डाला जी टू अचीव एक्सेलेंस और टू गिव योर बेस्ट ठीक है ना टू बी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ वेरी गुड जब तक आप हेल्थी ना हो तो आप एक्सेलेंस गिव योर बेस्ट ठीक है ना बिलीव मी व्हेन आई दिस वाज द वन मंथ व्हेन आई केम बैक इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आई लॉस्ट 16 पाउंड्स वाओ यू मैनेज्ड एंड सिंस देन आई मेंटेन द सेम वेट क्या बात ठीक है
So, आपने हेल्थ लाइफ बैलेंस की बात की, इट्स अगेन आई वुड वेरी स्ट्रांगली एम्फसाइज ऑन दिस थिंग. एवरी डे आई टेक माई इवनिंग वॉक 45 मिनट्स, 5 days a week. 5 days. And I never miss it. अभी पिछले बारिश हो रही थी, मैंने बारिश में वॉक. वाह वाह. At one time I used to play squash. लेकिन अब एज के साथ साथ यू नो एंड वॉक आपकी स्विमिंग, आई गो फॉर स्विमिंग, नॉट वेरी रेगुलरली बट वॉक आई नेवर मिस. बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज. एंड देन यू नो दूसरा मैं बिलीव करता हूँ, जो ये जो कुछ लोग होते हैं ना कि रात तक बैठ रहे हैं दफ्तरों में, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट. योर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड. एंड हाउ टू टाइम मैनेज योर टाइम, यू नो उसमें एक चीज ये बड़ी जरूरी है, अब बात से बात निकल रही है कि एज को अब द लेटर एक तो मैंने इसकी बात की, you have to be an effective delegator. Yes, ye skill nahi hamara, hum har katha karke baithe rehte hain. Main aapko batau na, jo normally and it's there was some study, in effect I had read a book on this long time back, especially professionals like engineers and accountants, unki ye tendency hoti hai ki even when they go up they try to carry their baggage along with them because they don't trust people. They are micromanagers. Micromanagers, you know. So as you go up, dekhe, as a manager it's your responsibility to develop your replacements. देखे ना कोई वो क्या कहते हैं कि द ग्रेवयार्ड इज फुल ऑफ इनहैबिटेबल्स बट हेवन हैजंट फॉलन. तो बात ये कि नो वन इज इंडिस्पेंसेबल, राइट? नो वन इज. सो ए गुड मैनेजर मस्ट क्रिएट हिज रिप्लेस इन एट अ रिफाइनरी. लाइक वी हैव वेरी स्ट्रक्चर्ड सक्सेशन प्लान. वाओ. फॉर एवरी पोजीशन वी हैव एटलीस्ट 3 कैंडिडेट हु आर बीइंग डेवलप्ड एंड ट्रेंड. ठीक है ना? तो ये बात यह ना कि एक टाइम मैनेजमेंट की बात आता हूँ ना वापस, तो टाइम है आप तभी कर सकते हो ना कि यू शुड बी डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. सर डेलीगेशन, नॉट दोस हु अदर्स आर सपोज्ड टू डू. सर आधे से ज्यादा सीईओ लोगों का काम करते हैं, नीचे वालों का खुद कर रहे होते हैं. व्हाट आई डू इज, व्हाट आई अप्लाइड इज कि व्हेन समथिंग कम्स टू मी आई देन थिंक इज देयर समवन इन माय टीम हु कैन डू दिस, ही शुड बी डूइंग दैट, नॉट मी. ऑफ कोर्स कुछ चीजें आती है, आई हैव टू टेक द डिसीजन ऑफ कोर्स, बट आई डोंट इंडल्ज इन दिस ट्रिवियल डे टू डे अफेयर्स. This very important for us. Sir, ये जो पता क्या होता है, अदर ऑपरेशंस में रहने से ना, क्योंकि सीईओ का एक ही जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग. Exactly. वो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं कर सकता. फ्यूचर जो चीजें वो इनके 100 साल बाद अटक होगी, जो और लोग नहीं कर सकते, they have to do. सर ये वाले जो रूटीन अफेयर, ये मैं अक्सर सीईओ को कहता हूँ. इसलिए पता क्या होता है, अक्सर सीईओ सर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट के पेशेंट होते हैं, इसी वजह से ना उनका बीपी रोज ऊपर जाएंगे, टेंशन ले और दे गो टू द ग्रेवयार्ड. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. सर आखिरी में दो छोटे सवाल वीमन एम्पावरमेंट के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बांग्लादेश की अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे एक केस स्टडी दिखाई गई कि बहुत बड़ा जो की सक्सेस फैक्टर ऑफ बांग्लादेश टर्न अराउंड द वुमन पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, विद पाकिस्तान 51% वीमेन्स पर द लैकिंग. व्हाट इज योर टेक ऑन वीमन एम्पावरमेंट? देखिए जी, इसमें वुमन के साथ साथ अगेन इट इज प्रूवन नाउ ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टडीज हुई हैं कि डाइवर्सिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी सपोर्टिव. ठीक है, सो यू शुड हैव अ डाइवर्सिटी. ऑफकोर्स जेंडर डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इवन अबव एंड बियॉन्ड एंड अलॉन्ग विद जेंडर डाइवर्सिटी यू शुड हैव इवन अदरवाइज डाइवर्सिटी, लाइक वी आर वर्किंग हियर, सो आई एनकरेज पीपल टू कम फ्रॉम ऑल सोसाइटीज, सेक्टर्स और सेगमेंट्स और प्रोविंसेस और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इवन रिलीजियस डाइवर्सिटी. We even have a working church here on our compound. Achcha. So many mosques, but a church also there. We have a policy with the unionized workers of Malay. We send them once a year to Kaaba and Hajj and Umrah. But then we also send non-Muslims to their religious places, you know. So diversity really helps the organization. Inclusion and diversity. Inclusion, right? Ab aap women ki baat kare, to I or we adopted jo aapka is waqt legislate law hai, code of against harassment at workplace. SECB, we adopted that much before it was passed by the parliament, years ahead of that, right? So we have that. Then we have even a gender diversity policy approved by the board. Very good. And we encourage, this America must go there, affirmative action. Ek to hota hai na ki merit pe rukun, we don't discriminate, wo tab bhi jagah. We go out of our way to encourage women to join us. And I'm happy to share with you that we have women working as engineers in the safety department on the plants with our technical services. Though the number is still small, you know, because the nature of industry is such that normally women are, but we still encourage them to come and join us. So we are very progressive. मतलब माशाल्लाह diversity and inclusion refinery जैसे organizations में भी चल रही हैं. Sir, last में
मैसेज ऑफ होप एंड ऑप्टिमिज्म फॉर यंग पीपल, क्योंकि पाकिस्तान में नई नस्ल के पास ना जॉब्स हैं ना होप है. ब्रेन ड्रेन इज द कर्स टू द सोसाइटी दिस कंट्री. वेरी अनफॉर्चुनेट सर. व्हाट इज योर टेक ऑन ऑप्टिमिज्म? देखिए जी, मैंने तो जिस तरह आपको बताया कि आई डिड माई मैस्टर फ्रॉम द यू एस, आई केम बैक एंड आई स्टेड ऑल, आई नेवर इवन थॉट अबाउट लीविंग दिस कंट्री नॉर वट आई वॉज. दिस कंट्री हैज ह्यूज पोटेंशियल एंड ह्यूज पॉसिबिलिटीज. ठीक है, सिर्फ एक तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि जो भी आपको चैलेंजेस या मुश्किलात नज़र आते हैं ना, उसी में अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं. ये एक एक एम, एक स्टेट ऑफ माइंड बनाना चाहिए, एक माइंड सेट यह बनाना चाहिए कि हर चैलेंज में अपॉर्चुनिटी आप ढूंढो. ठीक है, अभी माशाल्लाह देखें, जैसे मैंने शेयर की, नई नई प्रोफेशन आ रही हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं. इस वक्त आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा स्कोप है पाकिस्तान में. यंगस्टर्स, यू कैन वर्क स्टेइंग हियर इन पाकिस्तान, यू वर्क फॉर फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जॉब्स का जाहिर है, जॉब्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद इंडस्ट्रियल ग्रोथ. जब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो तो गम वो जमाना गुजर गया कि गवर्नमेंट जॉब आएंगे, खत्म हो गए, इंडस्ट्री में जॉब आएंगे, सर्विस सेक्टर में जॉब आ रही और बढ़ रही है. ठीक है ना, लेकिन नेवर लूज होप इन दिस कंट्री. दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला जरूर एक दिन अच्छा दिन हम देखेंगे इस मुल्क का. सर, लास्ट में जाते हुए कोई इस गुफ्तगू अगर रैप अप करें, कोई फैज, कोई गालिब, जो दिल के पास धड़कता हो, कोई शेर, कोई अच्छी सी बात, कोई इकबाल, फैज, गालिब की कोई, वुड यू लाइक टू शेयर? सर, शेर व शायरी से शौक़ है मेरा. मैं फेस से बहुत मुतासर हूँ, मैं लाइक माल से मुतासर हूँ. और एक शायर का आपने नाम भी नहीं सोगा हो, वो पश्तों का एक शायर है 17th century का, खुशहाल खान खट्टर. सर, सर बहुत बड़ा नाम. मैं थ्रू आउट देखे, मुझे ज़िंदगी में बहुत लोगों ने इंस्पायर किया है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माय लाइफ. मियां गनी साहब का मैं नाम भी, और भी ऐसे कई हजरात हैं, लेकिन मेरा जो परमानेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है खटक, वो खुशहाल खान खटक है. उनकी कोई लाइन्स? और आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने शायरी के अलावा एक प्रोज की किताब लिखी है जिसका नाम है दस्तारनामा. और उसमें 20 जिसको हम कहते हैं ना एट्रीब्यूट्स या जो स्किल्स, तो उसमें 20 जिसको उसने नाम दिया खसलतुना पश्तों में. खसलत का मतलब एट्रीब्यूट्स या बेसिक आप कॉम्पिटेंसी, और दूसरा उन्होंने दिया है कि हुनरुना, हुनरुना स्किल्स. ठीक है ना, तो उस किताब से मैं बहुत मुतासर हूँ, उस खुशहाल खान खट्टर की शायरी से बहुत मुतासर हूँ. सुना दें उसका कोई तर्जुमा, सुना दें सर. इस वक्त लाइक यू नो खुशहाल खान की एक एक छोटी सी नज़म है, लेकिन वो मैं पश्तो में लोगों को बोर नहीं करना चाहता, लेकिन उसका जो मेन पॉइंट्स है वो आपको उर्दू में शेयर बता देता हूँ. वो ये कह रहा है कि जी, एक तो ज़िंदगी में आप में हिम्मत होती है, उसी में बरकत, हिम्मत में बरकत है, उसका ये एक वो है. दूसरा वो ये कहता है कि जी, आप जहाँ भी रहें लोगों के साथ खुश असलूबी के साथ, जिसको हम टीम वर्क आप कह सकते हैं, वो इसी तरह खुशी गमी में लोगों के साथ रहें. देखिए बेसिक बातें हैं. फिर वो कहता है कि लग वेल डेरे खबल खामोशी के, मतलब है कि आप कम बोले और करें ज्यादा. यू नो वॉक द टॉक वाला कॉन्सेप्ट. आप सोचे कि ये 17वीं सदी की बात, 17वीं सदी की बात, आपको ये सिखाना चाहिए. तो दूसरा वो ये कहता है कि जो आप वादा करें या अहद करें, उस पर आप कभी कंप्रोमाइज ना करें. नो जो कमिट, जिसको इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, जिसको मैं कहता हूँ ना कि सिर्फ इंटेग्रिटी, जब कहता हूँ सिर्फ फाइनेंशियल इंटेग्रिटी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी इक्वली इंपॉर्टेंट, कि आप सच बोलें, आप अपना वादा खिलाफी ना करें, जो भी कमिटमेंट करें उसको पूरा करें. यू नो, तो ये बेसिक. अच्छा, दूसरा आखिरी जो उसका शहर, उसका मतलब ये है कि आप जहाँ रहें तो अपना जो इर्द गिर्द यानी आपकी जो कंपनी है, ठीक है, मतलब वो ये कहता है कि जो बाग में बुलबुलें वहाँ आती हैं जब पर अच्छे फूल हों. ठीक है ना, तो आप अच्छी कंपनी में रहें. तो ये मैंने सदीस उर्दू में आपको तर्जुमा करके बता दिया सर. यू मेड माय डे सर. मैं बहुत अच्छी बरसे बाद खुशहाल खान खट्टर के आपको, मुझे मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन मैं सुना है सर. थैंक यू. उसका इंग्लिश तर्जुमा भी है. अच्छा, बाय द वे, खुशहाल खान खट्टर के वन ऑफ द एडमायरर्स अल्लामा इकबाल. ये अल्लामा इकबाल की एक नज़म है, आप पता नहीं बाल की, जहाँ पर दिया खुशहाल खान की वसीयत, उसका टाइटल ही है खुशहाल खान की वसीयत. और ये जो मशहूर है अल्लामा इकबाल का है ना, कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से, सितारों पे जो डालते हैं कमन, ये उस नज़म में है. उस नज़म में, वाह वाह, यू मेड माय डे सर. सर, थैंक यू वेरी मच. द टेक अवे ऑफ दिस कन्वर्सेशन फ्रॉम, बहुत अच्छा लगा आदिल खट्टक साहब से गुफ्तगू करके. तो 3 की लर्निंग्स थी सर आज मेरा टेक अवे
फ्राम दिस कन्वर्सेशन। नंबर वन, अगर आपने ज़िंदगी में नई नस्ल के बच्चों के लिए खासकर ये है कि अगर आपने बहुत बड़ा सीईओ बनना है तो पहली चीज़ अपनी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन पे वर्क करें, क्योंकि कहते हैं कम्युनिकेशन इज़ अ कमोडिटी ऑफ किंग्स, ये बादशाहों का फन है, हर बंदे के पास नहीं होता, कभी आप बेरोज़गार नहीं रहेंगे। सेकंड जो बहुत बड़ी चीज़ मेरा टेक अवे है कि आप ज़िंदगी में जितने भी क्राइसिस आ जाए अपने इमोशनल कंट्रोल आपने नहीं देना किसी को, अगर आप वरना वीक हो जाएंगे, मारे जाएंगे, लीडर नहीं बन पाएंगे अपने फील्ड का। नंबर तीसरी चीज़ जो मेरी खूबसूरत वो है जिसको हम बचपन से उस्तादों से सुनते आज इनकी जुबानी सुनो, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। लोग खाली ऑनेस्टी की बात करते हैं लेकिन वो मेरे उस्ताद कहा करते थे सर बचपन में लाइन पढ़ते थे कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो वो कहते थे नहीं ऑनेस्टी इज़ द ओनली पॉलिसी। यस बिल्कुल, तो वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी इज़ द रियल पॉलिसी कि आप अपनी सच बोलें, स्टैंड टॉल कॉन्फिडेंस के साथ रही। और ये मुल्क जो था ना जिसमें इकबाल ने कहा था कि जहाँ नम हो तो ये मट्टी बहुत बड़ी सरहेज है साकी, तो इस गुफ्तगु को इतनी खूबसूरत गुफ्तगु का हमारी अपकमिंग बुक 100 सीओस में भी इसकी केस स्टडी देखिएगा, और सीओ टुडे पे आप अपना हमारे चैनल पे भी देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा और लर्न कीजिएगा, और कोई अच्छी चीज़ होगी तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़ को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।